नमस्कार सर, विश्वविद्यालय द्वारा एक रामाख्यान श्रेणी का आयोजन किया गया है जो भरत मुनि शोध पीठ का के द्वारा आयोजित की जा रही है। रामाख्यान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग रामा। इस आख्यान माला के द्वारा हम राम को और बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी श्रेणी के अंतर्गत आज हमारे बीच है प्रोफेसर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है माखनलाल यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव मानव संरचना मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज के वर्तमान में कुलपति हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें लाहटी यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस हेलसिंकी फिनलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मानद रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, और जो फेलोशिप का सम्मान सर को प्रधानमंत्री फिनलैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा प्राप्त हुआ है। सर, दो दशकों से भी अधिक अपने विशिष्ट करियर के दौरान आपने कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। सर, मैं हमारी वार्ता को कुछ इस तरह से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि हम मैनेजमेंट की फील्ड से आते हैं और जैसा मैं आपके इसमें देख पा रही हूँ कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में जो है पीएचडी की है। सर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का महत्व एक विद्यार्थी जीवन में भी है और एक एम्प्लॉय के जीवन में भी है, तो आप इस पर इसको किस तरह से देखते हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में ये कैसे एक प्रमुख भूमिका अदा करता है? कल्चर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, और कल्चर जो होता है वो हमारे माता पिता द्वारा, हमारी माँ सबसे पहली टीचर होती है कल्चर पढ़ाने की। तो जब मैंने अपनी शोध की थी जो 1994 में जमा की थी मैंने जी, लगभग आज से 30 वर्ष पहले जी, तो मैंने लिखा था कि आई एम डेडिकेटिंग दिस रिसर्च वर्क टू माई पेरेंट्स एंड स्पेशली टू माई मदर हु टॉट मी द वेरी बेसिक लेसन्स ऑफ कल्चर। तो इंसान कल्चर की शुरुआत तो अपने माता पिता और अपने गुरु से करता है, और जिसके जीवन में ये तीनों लोग निरंतर हैं उसके जीवन में निरंतरता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम वुमन को जो है वो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल मॉडल मानते हैं, और वो जो वुमन का रोल है वो हमारी मदर से ही आता है। सर, आप जो है वो एक विषय विशेषज्ञ माने जाते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, तो कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारी मनोदशा का परिचायक है। जब भी कोई घटना होती है तो हमारे मनोदशा कैसी होगी इस पर हम पहले से विचार करने लग जाते हैं कि अगर वो व्यक्ति मिला तो मुझे आज उसको नमस्कार नहीं करना है, और अगर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे दूसरी तरफ से अनदेखा कर देना है। अच्छा, मतलब हम जो पूर्व में हमारे साथ हाँ, उसके जो हमारे हाँ व्यवहार है उससे हम अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अच्छा, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो मतलब होता है मानसिक, लिंग्विस्टिक भाषा। अच्छा, और प्रोग्रामिंग आप समझते हो जी, आज कंप्यूटर के दौर में हम अपने आप को, हम अपनी मनोदशा को किस भाषा में कैसे प्रोग्राम करते हैं, और हमारे पास वो पूरा अधिकार है कि इसे हम बदल दें। अच्छा, तो मतलब इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं ना कहीं जो हमारे विपरीत है उसके व्यवहार पर भी डिपेंड करता है कि हम ये कैसे यही अब ये प्रोग्रामिंग जो भाषा है ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत बड़ी, बहुत हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को ले जा पर ले चलती है हमें। अच्छा, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है ठीक है, जब हम पैदा हुए थे तो हमारी सोच भगवान ने ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स दिए थे जिसको APT कहते हैं, और हम वक्त के साथ साथ उसको ANT कर दी, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कर दिए। तो जीवन के एक पड़ाव पर हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव करना है उसकी सीख है। तो ये विद्यार्थियों जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता होगा कि किस तरह हम लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जीवन के हर मोड पर, हर मोड, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप एक घर में एक बेटे हो या बेटी हो, या पत्नी हो या पति हो, या भाई हो बहन हो, किसी भी रोल में हम अपने आप को सकारात्मकता की ओर कैसे ले चलें, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और अगर मैं इस पर आगे आपसे कहूं तो इसकी एक सबसे आसान कड़ी है और उसको कहते हैं नवीकरण। अच्छा,
और मैनेजमेंट की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं रिन्यूअल। और चार तरह के रिन्यूअल जो हैं वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन चारों रिन्यूअल्स की, उन चारों श्रृंखलाओं का जो नवीकरण है उसकी राह अनंत है। जैसे पहला फिजिकल रिन्यूअल, 24 घंटे में से एक घंटा सिर्फ अपने आप को दे, फिजिकल रिन्यूअल जी, अपने आप को चार्ज करें जी। कहीं भी आप जाते हैं तो अपने मोबाइल का चार्जर पहले ढूंढते हैं कि पॉइंट कहाँ है अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। जो हमें परमात्मा ने अद्भुत सिस्टम दिया है उसको वो कहते हैं कि भाई दिन में सिर्फ 45 मिनट दे दो जी। सो जो फिजिकली अपने आप को रिन्यू करते हैं उनकी सोच फर्क होती है जी, पॉजिटिविटी आती है जी। दूसरा इंटेलेक्चुअल रिन्यूअल। इंटेलेक्चुअल रिन्यूअल क्या है, जब तक हम नई चीजें पढ़ेंगे नहीं, आपके विश्वविद्यालय की इतनी अद्भुत पुस्तकालय है जी, उसमें हम जाकर अपने आप को कितना नवीकरण करते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट पर जी, कितनी नई चीजें पढ़ते हैं हम जी, तभी हम किसी से बात करें तो मुझे शब्दों का अभाव ना हो, ना हो, भाषा का अभाव ना हो, सोच का अभाव ना हो और विषय का अभाव ना हो, ये बिना पढ़े नहीं आएगा जी। तीसरा है सोशल रिन्यूअल। अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ही काम कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और अपने परिवार से, मित्रों से सबसे नहीं मिलते, अगर सोशल रिन्यू नहीं करते हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। और अंत में स्पिरिचुअल रिन्यूअल, उस परम से जुड़े, और रामाख्यान उसी श्रृंखला में नवीकरण का एक रास्ता है जी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि सर नवाचारों के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ हैं नवाचारों के। शायद यही कारण है जैसे सर ने अभी बताया कि अगर हम समय समय पर डिफरेंट टाइप्स के रिन्यूअल्स लाइफ में नहीं करेंगे तो शायद हमारी ग्रोथ रुक जाएगी या हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। जैसे हम सोशल रिन्यूअल की बात करें तो हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे मित्र हैं, पर उनमें से हम कितने मित्रों को जानते हैं या उनसे मिलते हैं या उनसे हम एनर्जी प्राप्त कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आज के दौर में रिन्यूअल होना बहुत जरूरी है। जैसे हम योगा की बात करें कि जब हमारे देश में योग था तो हमने उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, कहीं ना कहीं उतनी महत्वता नहीं दी। वो जब विदेश में गया तो वो योगा होके हमारे पास वापस आया। और जब हम कोविड के बाद देखते हैं कि जिन भी लोगों ने अपनी फिजिकल रिन्यूअल पे ध्यान दिया था शायद वो ज्यादा स्वस्थ महसूस करते थे, उस समय कॉन्फिडेंट महसूस करते थे। तो बहुत ही विद्यार्थियों को या फिर सभी लोगों को हर क्षेत्र में जानना चाहिए कि समय समय पर उनको रिन्यूअल जो आपने अभी बताया वो करते रहना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। सर आपने एक पुस्तक लिखी है जिसका कि शीर्षक है गीता का शाश्वत ज्ञान और नेतृत्व की कला। मैं आपसे चाहूंगी कि आप उस पर थोड़ी चर्चा करें, हमें उसके बारे में बताएं। चाहे हम अपने, हमारा एक दुर्भाग्य रहा है कि हम अपने ग्रंथों की ओर नहीं देखते, और जब बहुत सारे जो विदेश के लोग हैं वो जब उन ग्रंथों को सहज अंग्रेजी में लिख के हमारे सामने रखते हैं तो हम कहते हैं कि अरे कितना बढ़िया काम किया, बड़ा इंप्रेस होते हैं। आप अगर स्टीवन कोवी की बुक्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट स्कूल में, सेवन हैबिट्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, और उसके बाद एट्थ हैबिट की बात करते हैं वो, और प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। आज से 8 वर्ष पहले मैं, जैसा आपने कहा, फिनलैंड में जो बिजनेस स्कूल है वहाँ पर छात्राओं छात्रों को संबोधित कर रहा था और एक प्रोफेसर ने वहाँ के कहा, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल के थे, उन्होंने कहा कि जो वर्ड प्रोफेशनलिज्म है इट इज़ ए वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ड, ये पाश्चात्य का शब्द है जिसे हमने विश्व को दिया है, हमने विश्व में प्रोफेशनलिज्म सिखाया है जी। और सभी लोगों ने उनकी बातों पर हाँ कहा, लेकिन मैंने वहां पर खड़े होकर उनको श्रीमद् भगवद् गीता को दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में सुनाया और मैंने कहा भगवान ने 5000 वर्ष पहले ये शाश्वत ज्ञान हमें दिया था जिसमें उन्होंने प्रोफेशनलिज्म डिफाइन किया। मैंने उनको दिखाया जी। भगवान ने कहा
दूसरे अध्याय जिसको सांख्य योग कहते हैं, व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरुनंदना, व्यवसाय व्यवसायित्मिका व्यवसाय ही जिसकी आत्मा है जी। तो प्रोफेशनलिज्म क्या हुआ, व्यवसायित्मिका संस्कृत क्या हुई, व्यवसायित्मिका व्यवसाय जिसकी आत्मा है। सो व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरुनंदना, ऑल दोज हु आर प्रोफेशनल दे हैव लेजर्ड फोकस and they know where they have to go in life, otherwise it doesn't matter where you go in life. Bahu shakha hi anant buddhi avyavsayi naam, ye dusri rain ka matlab hai ji, hamare shastron mein likha hai ji, lekin hum us par dhyan nahi dete. Samay aa gaya hai, hamare pradhanmantri ji kehte hain jaisa yahi samay hai, sahi samay hai, apne granthon ko padhe ji और देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाए। बिल्कुल 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 सर। तो आपकी जो ये पुस्तक है वो इसी बारे में बताती है कि गीता का क्या शाश्वत ज्ञान है और नेतृत्व किस तरह भागवत गीता से आता है। गीता में है वही बात, मानस में भी जी, है जी। वही बात ग्रंथ साहब में भी है, वही बात हमारे वेदों में है, हमें देखने आना चाहिए जी। तो सर आप किस तरह से विद्यार्थियों को या लोगों को मोटिवेट करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनको अब पढ़ने का बहुत ही सही समय आ चुका है, तो किस तरह हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आए और आगे आकर इसको पढ़े? क्योंकि जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम बड़ा इम्प्रेसिव वे में बड़े उसको पढ़ते हैं, या किसी ने उसकी बात तारीफ कर दी तो हम बड़े अट्रैक्ट होते हैं, पर उससे पहले जैसे आपने कहा 5000 साल सदियों से वो चीजें हमारे पास रखी है, धरोहर में है। तो अब ये सही समय है कि हम हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसको ग्रहण करे, तो हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं सर? देखो ये मोटिवेशन तो इंट्रिंसिक होता है, आप मैनेजमेंट स्कूल के प्रोफेसर हो जी, इट इज ऑलवेज इंट्रिंसिक जी। अगर घर को नहीं देखोगे और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा भाषा जी। मैं किसी भाषा के प्रतिकूल नहीं हूँ, भाषा में गर्व, अपनी भाषा में गर्व जरूर करना चाहिए जी। मुझे विश्व की बहुत सारे देश मैंने देखे हुए हैं, उन देशों में मैंने देखा है लोग अपनी मातृभाषा पर निहायत गौरवान्वित महसूस करते हैं जी सर। और हमारी जो देश में बहुत कम लोग हैं जो लगातार शुद्ध हिंदी में प्रयोग करते हुए अपनी बात को एक ही एकल भाषा में कह पाए। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी आनी चाहिए, जरूरी है जी, क्योंकि वैश्विक मंच पर अगर ये बोलचाल की भाषा तो आनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व जरूर करना चाहिए और अपनी भाषा को और प्रोत्साहित करें, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि विद्यार्थी ही नहीं हम आम भाषा में भी एक क्लिष्ट हिंदी को अपने अंदर ला पाएं। सर आपने अभी तक 45 सद्यताओं की PhD उपाधि प्राप्त करवाई है आपके मार्गदर्शन में, और आपके 300 से अधिक पेपर हैं, 350 से अधिक पेपर है बल्कि, और खुद के अकाउंट में आपने 100+ पेपर जो है वो पब्लिश किए हैं। सर शोध का जीवन में क्या महत्व है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अगर शोध नहीं करेंगे जी तो आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे। सर ये हम बीइंग अ फैकल्टी बात कर रहे हैं या आमतौर पर आप एक फैकल्टी बात कर रहे हैं जी, क्योंकि जो मेरा मैनेजमेंट स्कूल से कहना होगा जी, कि क्या हम, अगर अंग्रेजी भाषा में कहें, क्या हम नॉलेज के जनरेटर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अगर हम नॉलेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर कोई सब्जी वाला आपके घर के सामने आके आपको सब्जी देता है जी, तो आपको पता है कि सब्जी अगर मैं मंडी में जाऊंगा तो और सस्ती मिलेगी, और ये पैसा जो ज्यादा ले रहा है वो आपका, आपकी सहूलियत का वो ले रहा है जी। ठीक उसी तरह आज का जो विद्यार्थी है वो आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में जी, उन चीजों को सुनने नहीं आया है जो पुस्तक में पहले से ही है या फिर हमें गूगल पे अवेलेबल है जी। और अगर ऐसा है तो आपका ज्ञान और आपका सम्मान दोनों ही निहित है, इसकी अवधि पूर्ण है जी। और आपको अपने अंदर ये हमेशा महसूस होगा कि पता नहीं ये मेरे नोट्स देख तो नहीं लिए इन्होंने कभी जी, पर जब आप नॉलेज को जनरेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो आप किसी से आंख में आंख डाल के कह सकते हो कि ये मेरा इस साल का काम है जी। बिल्कुल सर, और जो कि केवल शोध से ही आ सकता है उसके आपको
बिना प्रामाणिक काम के जी, आपके जीवन में कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। जी जी, और बीइंग अ फैकल्टी सर, जब तक आप अपने आप को रिसर्च नहीं करते रहेंगे, हाँ, बिल्कुल, या बिल्कुल, अपने विषय को रिसर्च नहीं करते, फैकल्टी क्या, इवन एज अ वाइस चांसलर, मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ, जब भी मैं अपनी पीएचडी में, हमारे पास विश्वविद्यालय में 800 शोध छात्र छात्राएं हैं, जब उनके सामने मैं खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ कि एवरी पर्सन, एवरी स्कॉलर हैज टू राइट एटलीस्ट 2 पेपर्स इन अ ईयर, तो एक कोई पूछेगा ना कि सर इस साल आपने कुछ लिखा है? पेपर लिखे हैं? सर इस साल आपने कुछ लिखा क्या? सर आपने जो लास्ट पेपर लिखा उसकी मैं कॉपी चाहता हूँ। जी जी सर। तो आप जी इस बात पर विचलित तो नहीं हो कि नाराज हो रहे हो, तो मुझसे कैसे पूछ सकते हो ये? बिल्कुल सही, पहले हम दूसरों से अपेक्षा करने के पहले खुद तो उसको पूर्ण कर लें। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा सर। तो ये बड़ा ही सौभाग्य विषय है आपके विद्यार्थियों के लिए कि पहले आप उनको सिखाने से पहले खुद सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही एक मोटिवेशन का तरीका होता है सर कि पहले हम अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लें, उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि स्टूडेंट भी वो करें। सर आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी परिणाम आधारित क्रियान्वयन की देखरेख की एक विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान द्वारा गठित इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की चयन सदस्य भी रहे, और सर मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माखनलाल विश्वविद्यालय जो है वो सबसे पहले हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर किया और जो भी बहुत अच्छे रूप से चल रहे हैं, विद्यार्थियों का भी उसमें बहुत अच्छा योगदान भी रहा और उन्होंने उसको बहुत एक्सेप्ट भी किया है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो अपने आप में एक बहुत ही प्रभावी कारगर नीति है और ये आम का पेड़ है जी, जिसका फल जी, कल नहीं मिलेगा जी, ये आम का पेड़ कुछ वर्षों में फल देगा और जब ये फल देगा जी, तो उसका फल अनंत तक चलेगा। आपके कुलपति माननीय यशस्वी प्रोफेसर केजी सुरेश जी की अद्भुत सोच है जी, और मैंने विश्वविद्यालय को देखा है, आपके पुस्तकालय को देखा जी, और मेरा मानना यह है कि इस अग्रणी सोच से जी, उसके क्रियान्वयन से जी, विश्वविद्यालय आपकी नवीनतम ऊंचाइयों पर जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का नाम आजीवन बहुत ही सम्मान से लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, और बिल्कुल सही कहा सर, हमारे जो कुलपति जी हैं वो उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है वो काफी, मतलब वो आज वर्तमान के लिए ही नहीं करते, वो बहुत लंबे विजन के साथ सोचते हैं और उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं सर वो इस तरह प्लान होती है कि आपको फ्यूचर में, जिस तरह आपने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की कि वो एक आम का वृक्ष है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो नीतियां होती हैं कुलपति जी की वो आम के वृक्ष के समान ही होती है जो लगातार हमको फल दे रही हैं। हम पिछले 4 सालों में अगर उठाकर देखें तो विश्वविद्यालय ने इतना सुंदर नवीन कैंपस प्राप्त किया, उसमें कई आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर भव्य, न केवल कैंपस बल्कि उसके अंदर जो जो सिलेबस है, जो टीचर्स हैं, जो लगातार हो रहे व्याख्यान हैं, उनसे जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट है सर वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मतलब वो सिर्फ उनकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, उनको लगातार आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ उनको सिखाया जा रहा है कि आज वो कल के लिए इंडस्ट्री के लिए वो तैयार है सर, उनको ये नहीं है कि अब वो आज यहाँ से पढ़ के जाएंगे और कल उसको अप्लाई करेंगे, वो यहाँ से सीख कर ही जा रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट स्टूडेंट के रूप में बना रहे हैं वो माखनलाल का स्टूडेंट ऐसा है कि वो यहाँ से सीधे जाकर सिखाने योग्य है, सीखने के लिए उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। सर आप कैंपस के बारे में आपके क्या विचार है, जैसे आपने अभी अभी भ्रमण किया कैंपस का, तो उस बारे में आपके क्या विचार है माखनलाल के कैंपस को लेकर? चलो इसको आखिरी पॉइंट रखते हैं अपने डिस्कशन का। बिल्कुल सर, ये देखो जो कैंपस है ये मैं कहूंगा कि मैं इसके लिए पूरे जो छात्राएं छात्र और जितने यहाँ के अध्यापक हैं जी, जितना स्टाफ है जी, और इन सबके जो लीडर हैं जी सर, वो आपके यशस्वी कुलपति जी हैं जी सर, और किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है, बट मैनेजमेंट स्कूल में मैं लीडरशिप का स्टूडेंट हूँ और मेरे बहुत सारे रिसर्चेस जितने हैं वो लीडरशिप के अराउंड हैं जी सर। तो मेरे लीडरशिप में 2 बातें हैं जी, और यही 2 बातें मेरी आखिरी बात भी होगी आज की। जी, पहली बात तो ये कि दोज हु लिव फॉर अदर्स दे नेवर डाई, दोज हु लिव फॉर अदर्स दे नेवर डाई, चाहे मैं किसी व्यक्ति का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ और ना मैं प्रोफेसर सुरेश की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति कर्मठी होता है जी सर, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा अमर होता है जी, बिल्कुल सर।
गांधी विल नेवर डाई इन दिस कंट्री, यस सर, बुद्धा विल नेवर डाई इन दिस कंट्री, माखनलाल चतुर्वेदी लिव्स विद हिज वर्क, यस सर, एंड सो मेनी मोर लीडर्स लाइक प्रोफेसर सुरेश, दोज हु लिव फॉर अदर्स दे ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय द पीपल हु आर वर्किंग विद देम, यस सर, और इस मेहनत का कोई कंपनसेशन नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये अपने अंदर की एक प्रसन्नता है, एक अपने अंदर का जी. एक अपने अंदर का एक अद्भुत, आप कह दो इसको कि अपने अंदर एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है जी सर, वो अनुभूति परमात्मा के आशीर्वाद से मिलती है जी सर, और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि जो ऐसे लीडर्स होते हैं जी. उनको बार बार उनसे उनका एग्जामिनेशन दिया जाता है जी सर. लीडरशिप लास्ट लेसन ऑफ द लीडरशिप सेज इट इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन. जितने लीडर्स हैं जिनको आप जानते हो जी सर, उन सबका इम्तिहान लिया गया है यस सर. भगवान को राम से राजा राम बनने के लिए 14 वर्ष का इम्तिहान देना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सर, और लोगों ने क्या नहीं कहा उनको जी बिल्कुल. तो राम राज्य की परिकल्पना बिना वनवास के संभव नहीं है, बिल्कुल सर, और लीडर की जिंदगी में जिसकी जिंदगी में जी सर अगर ज्यादा एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो समझो कि आप लीडर बन गए हो जी. अगर आपका हर दिन आपको लगता है कि मेरा हर रोज टेस्ट होता है, हर रोज एक नई चुनौती है, अगर चुनौतियां हैं और उससे आप परेशान हो तो समझो कि आप लीडर हो रहे हो जी. और लगातार आप कुछ नया भी कर रहे हैं तभी आप कुछ नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सर, थैंक यू सर.